टुडेज टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ, देन मैं उसके बाद लास्ट में नोट्स भी दे दूंगी, आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हो। देन वी स्टार्टेड आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल हमारा ऐसा मसल होता है जो कि हमारा अटैच होता है स्केलेटन से। स्केलेटल मसल्स हंड्रेड्स और थाउजेंड्स मसल फाइबर से मिलके बना होता है, एंड जो ये मसल फाइबर होते हैं वो हमारे बंडल में अरेंज होते हैं। उस बंडल को हम लोग फैसिकल्स बोलते हैं। एंड जो वो बंडल्स मीन्स मसल फाइबर का जो बंडल होता है वो हमारा रैप्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग से, पूरा वो क्लोज होता है। एंड जो ये बंडल होता है उसको तो मैंने बताया जैसा कि आपको, कि उसको फैसिकल्स बोलते हैं। इस बंडल के अंदर हमारा सैक्रोलेमा, सैक्रोप्लाज्म और सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा सेल में, तो सेल में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है, बस इसको हम लोग प्रोनाउंस में अलग चीज़ से करते हैं। मीन्स कि जैसे अगर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स में मीन्स कि मसल सेल में इसको हम लोग सैक्रोलेमा बोलते हैं, और साइटोप्लाज्म को सैक्रोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सारी चीज़ें वही हैं, बस यहाँ पर नेम चेंज कर दिया गया है। अब इस मसल सेल्स को अगर हम और लार्ज करके देखते हैं तो इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और यू कैन से दैट फाइबर्स मीन्स छोटे छोटे फाइबर्स जैसे। दीज फाइबर्स आर मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और ये जो फाइबर होते हैं वो मायोफाइब्रिल्स के बने होते हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हो। मायोफाइब्रिल्स आर मेड अप ऑफ थिक एंड थीन फिलामेंट, और जो ये हमारा मायोफाइब्रिल है वो हमारा थिक और थीन फिलामेंट से बना होता है। जो थीन फिलामेंट होता है उसको हम लोग डार्क बैंड बोलते हैं, एंड जो थिन फिलामेंट होता है उसको हम लोग लाइट बैंड बोलते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में एक्टिन एंड मायोसिन के नेम से देख रहे हो, डार्क बैंड को हम लोग मायोसिन बोलते हैं, जो कि जिसका स्ट्रक्चर जो होता है मायोसिन का, उसका सरफेस जो होता है वो रफ सरफेस होता है, एंड वो थिक और लॉन्ग फिलामेंट फॉर्म करता है। और एक्टिन जो होता है उसका सरफेस जो होता है वो स्मूथ सरफेस होता है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा है लास्ट में एक्टिन एंड मायोसिन, और ये जो फॉर्म करता है वो शॉर्ट और थिन फिलामेंट को फॉर्म करता है। जितना मैंने बताया ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो।